और एक बड़ी खबर इस वक्त गिरिडीह से आ रही है। गिरिडीह के जमुआ मुख्य मार्ग विशानपुर के पास 2 घंटे से जाम लगा हुआ है। बिजली मिस्त्री आदिल की मौत पर लोगों में आक्रोश है और देर रात हुई थी बिजली मिस्त्री की मौत और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया लोगों ने। कांग्रेस के पूर्व सांसद सरफराज अहमद भी सड़क पर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त गिरिडीह से आ रही है जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है जमुआ मुख्य मार्ग विशानपुर के पास 2 घंटे से। बताया जा रहा है कि एक बिजली मिस्त्री आदिल की मौत हुई थी कल देर रात और उसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर यहां पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सरफराज अहमद भी फिलहाल लोगों के साथ सड़क पर बैठे हुए हैं।